नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी विद JR में। आज के इस वीडियो में हम लोक प्रशासन की यूनिट 1 का टेस्ट पेपर 1 देखेंगे। इसमें मैंने 20 प्रश्न शामिल किए हैं और ये जो 20 प्रश्न हैं वो ज़्यादातर प्रश्न जो है वो पिछले 5 सालों के सेकंड ग्रेड में आए हुए पेपर से लिए गए हैं और जिसको आपको सॉल्व करना है और कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही होते हैं वो मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बताना है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक स्टडी विद JR चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी शुरू करने पर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो होता है सिलेबस का। सबसे पहला होता है सिलेबस, जिसकी भी हम जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो हमें देखना होता है वो देखना होता है सिलेबस। उसका सिलेबस क्या है जो कि मैं आपको लोक प्रशासन की यूनिट 1 के पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। और दूसरा कार्य जो है वो होता है पिछले 5 सालों का सेकंड ग्रेड टीचर का पेपर। आप जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप जरूरी नहीं है सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करें, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका काम है उसका सिलेबस देखना। दूसरे नंबर का इम्पोर्टेंट कार्य है उसका पेपर का पैटर्न देखना कि पिछले 5 सालों में कैसे किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम से, तो ये आपको देखना है। तो सेकंड ग्रेड में भी यही है सेम कि सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है, सिलेबस में बता चुकी हूँ। और दूसरा कार्य हम कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों के आए हुए पेपर को देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में, इस पेपर जो है ये टेस्ट पेपर 1 है, इसमें ज़्यादातर मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले 5 सालों में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सबसे पहला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है। इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन बता देती हूँ, पहला ऑप्शन है LD वाइट, दूसरा है लूथर गुलिक, तीसरा है वुड्रो विल्सन और चौथा है मार्शल ई डिमॉक। तो यह किसने कहा है कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, वुड्रो विल्सन ने। किसने कहा है? वुड्रो विल्सन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है? लोक प्रशासन के विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 1887 से 1926 तक, दूसरा ऑप्शन है 1938 से 1947 तक, तीसरा ऑप्शन है 1927 से 1937 तक, चौथा ऑप्शन है 1948 से 1970 तक। तो आप सोचिए इसका क्या राइट आंसर होगा। अगर आप जो मैं टाइम दे रही हूँ उसमें नहीं सोच पा रहे हैं तो आप इसको पोज कर दीजिए, फिर आराम से सोचिए, तब आप प्ले करिए इसको। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, 1927 से 1937 तक, जो लोक प्रशासन के विकास में जो सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है वो कहा जाता है 1927 से लेके 1937 तक के युग को। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो पहला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा है कि लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित एवं विस्तृत अध्ययन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, सेकंड ग्रेड के पेपर 2016 में आया हुआ है। और ये लोक प्रशासन के विकास में किस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी 2016 में आया हुआ है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, आप थर्ड क्वेश्चन, ये भी 2016 में आया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लोक प्रशासन में सरकार की वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायिक शाखाओं से संबंधित है, यह प्रतिबिंबित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 है लोक प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण, ऑप्शन 2 है लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 है लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण और 4th ऑप्शन है लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो आप सोचिए इसका क्या राइट आंसर होगा। लोक प्रशासन में सरकार की वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायिक शाखाओं से संबंधित है, यह प्रतिबिंबित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। देखिए,
लोक प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑप्शन ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक कार्यकारी शाखा यानी कि कार्यपालिका होती है। संकीर्ण दृष्टिकोण में तो क्या होता है कि सिर्फ एक कार्यकारी शाखा होती है, कार्यपालिका। और जबकि जो ये व्यापक दृष्टिकोण है, इसमें हमने बात करी थी, आपने वीडियो देखा होगा, यूनिट 1 के पार्ट 1 में हमने देखा था। तो व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है कि सरकार की तीन शाखा यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की जो गतिविधियां हैं वो शामिल होती हैं। तो इसका सीधे सीधे राइट आंसर यही बन रहा है कि व्यापक दृष्टिकोण है, क्योंकि इस तीन तीनों की बात हमने किस में की थी, इस इन तीनों की बात हमने व्यापक दृष्टिकोण या फिर हम कह सकते हैं विस्तृत दृष्टिकोण में की थी। और ऑप्शन थर्ड क्यों नहीं होगा, एकीकृत दृष्टिकोण? तो एकीकृत दृष्टिकोण क्या है, इसमें भी मैंने आपको बताया था यूनिट 1 के ये पार्ट 2 में बताया था मैंने आपको एकीकृत दृष्टिकोण का। तो एकीकृत दृष्टिकोण के तहत क्या होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत होता है और इसके अंतर्गत क्या होता है कि उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, और इसके अलावा इसके अंतर्गत किसी विभाग में कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मचारी प्रशासक होता है, चाहे वे उच्चतम प्रबंधक हो या अधीनस्थ चपरासी, अर्थात यह सभी व्यक्तियों को प्रशासक मानता है। कौन सा दृष्टिकोण? एकीकृत दृष्टिकोण। और फिर जो चौथा ऑप्शन है वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बताया प्रबंधकीय दृष्टिकोण में कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण है जो इस दृष्टिकोण संकुचित प्रवृत्ति का होता है, ये जो दृष्टिकोण है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, और इसके अंतर्गत क्या होता है केवल प्रबंधकीय गतिविधियां ही शामिल होती हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में क्या होता है कि प्रबंधकीय गतिविधियां ही शामिल होती हैं और इसके अंतर्गत किसी विभाग में कार्य करने वाला वो ही व्यक्ति प्रशासक कहलाता है जो प्रबंधन का कार्य करता है। बाकी क्या है, जो समस्त व्यक्ति हैं वो कर्मचारी कहलाते हैं जो उनके आदेश की अनुपालना करते हैं। तो इसका राइट आंसर सीधे सीधे यही बनता है कि दूसरा सही है, लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीति और लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में माना था? निम्न में से किसने राजनीति और लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में माना था? ऑप्शन 1 है रूजवेल्ट, ऑप्शन 2 है जॉन एफ कैनेडी, थर्ड है रोनाल्ड रीगन और ऑप्शन 4 है वुडरो विल्सन। तो इसका राइट आंसर होगा वुडरो विल्सन। 4 नंबर का इसका सही है, वुड्रो विल्सन ने राजनीति और लोक प्रशासन को पृथक विषय के रूप में माना था। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2016 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 है, निम्न में से किसके द्वारा लोक प्रशासन को सार्वजनिक कानून का विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन है? सामान्य कानून की प्रत्येक विशिष्ट क्रियान्विति एक प्रशासनिक क्रिया है के रूप में परिभाषित किया है। मतलब कुल मिला के ये है कि ये परिभाषा किसने दी है, ये हमें इसमें बताना है कि लोक प्रशासन को सार्वजनिक कानून का विस्तृत और व्यवस्थित क्रियान्वयन है, सामान्य की कानून की प्रत्येक विशिष्ट क्रियान्विति एक प्रशासनिक क्रिया है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एलडी वाइट, दूसरा ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, तीसरा ऑप्शन है बिलोबी और चौथा ऑप्शन है निग्रो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, वुड्रो विल्सन। इसका राइट आंसर होगा वुड्रो विल्सन ने ये परिभाषा दी है, और वुड्रो विल्सन की परिभाषा में मोस्टली ये शब्द आते हैं विस्तृत और व्यवस्थित, ये आपको पहचान करनी है इससे। 2013 में आया हुआ है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, लोक प्रशासन में पोस्ट कोर का प्रणेता कौन था? लोक प्रशासन में पोस्ट कोर का प्रणेता कौन था? 2013 में आया हुआ है ये प्रश्न। ऑप्शन है 1 F.W. टेलर, ऑप्शन 2 है लूथर गुलिक, ऑप्शन 3 है मैक्स वेबर और ऑप्शन 4 है हेनरी फेयल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, लूथर गुलिक। पोस्ट वॉर का प्रणेता किसे माना जाता है? लूथर गुलिक को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां प्रश्न है, अब तक कितने मिन्नो ब्रुक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं? अब तक कितने मिन्नो ब्रुक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं? 2013 में आया हुआ है ये प्रश्न, और ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3
और चौथा है चार। तो आपको पता होगा इसका आंसर। तो अब तक कितने मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हो चुके हैं? अगर आपने वीडियो देखी होगी मेरी तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो इसका आंसर होगा तीन। अब तक कितने मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हो चुके हैं? तीन हो चुके हैं। प्रथम मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हुआ था 1968 में। प्रथम मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हुआ था 1968 में अमेरिका में। और सेकंड हुआ था, द्वितीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हुआ था 1988 में, 1988 में अमेरिका में। और तृतीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 2008 में। और ये जो तृतीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन है ये दो चरणों में हुआ था, जिसकी थीम थी भविष्य का लोक प्रशासन, भविष्य का लोक प्रबंधन, भविष्य की लोक सेवाएं। ये इसकी थीम थी। किसकी? तृतीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन की थी ये, 2008 में हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आठवां प्रश्न है, किसने कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता? ये किसने कहा है कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता? 2013 में आया हुआ है ये प्रश्न। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऑर्डवेटिड, दूसरा है फेलिक्स निग्रो, तीसरा है मार्शल ई डिमॉक और चौथा है एच फाइनर। तो इसका राइट आंसर होगा वन। पहला जो ऑप्शन है वो ठीक है, आर्डवे टिड। किसने कहा है? आर्डवे टिड ने कहा है कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता। नवा प्रश्न देखते हैं। लोक प्रशासन में लोक शब्द से अभिप्राय है, 2011 में आया हुआ है ये प्रश्न। तो लोक प्रशासन में लोक शब्द से अभिप्राय है, ऑप्शन एक जनता से, दूसरा है व्यक्ति से, ऑप्शन थ्री है समुदाय से, ऑप्शन फोर है सरकार से। तो इसका राइट आंसर होगा फोर, सरकार से। लोक का क्या अर्थ है यहाँ? जनता से नहीं है लोक का अर्थ। लोक प्रशासन में लोक का अर्थ है सरकार से। अगर आपने पहले मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। और जो इसमें लोक है वो लोक शब्द से क्या अभिप्राय है? सरकार से है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको लग रहा होगा मैम रिपीट कर रही हैं, पर ये क्वेश्चंस लेना ज़रूरी था। एक बार आपका ये टेस्ट पेपर सीरीज़ चल रही है तो इन सबको मुझे शामिल करना था इस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में कैसे प्रश्न बन रहे हैं एग्ज़ाम्स में और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इनको दोबारा रिपीट किया है मैम। आपने यूनिट 1 देखी होगी तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कुछ अलग हैं, कुछ नए भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही पुराने हैं, कुछ नए हैं। और जो आगे टेस्ट सीरीज़ 2, 3 आएंगी इनमें और आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं। लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है, जैसे कैंची की दो धारें। लेविस मेरियम के उक्त कथन में दो धारों से तात्पर्य है। लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है, जैसे कैंची की दो धारें। लेविस मेरियम के उक्त कथन में दो धारे से क्या तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन है पोस्टकार संबंधी ज्ञान तथा विषय वस्तु का ज्ञान, दूसरा है राजनीति एवं प्रशासन, तीसरा है प्रशासन एवं प्रबंधन और चौथा ऑप्शन है जनप्रतिनिधि एवं नौकरशाही। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, पोस्टकोर संबंधी ज्ञान तथा विषय वस्तु का ज्ञान। इसके संबंध में जो लेविस मेरियम है उन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है, जैसे कैंची की दो धारे। और ये जो क्वेश्चन है ये 2011 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। ये भी 2011 में आया हुआ है और ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है प्रासंगिकता, बी है मूल्य, सी है सामाजिक समता, डी है परिवर्तन और ई है राजनीति प्रशासन द्विभाजन पर बल। ये तो इसकी दे रखी है विशेषताएं। और ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में इनके वो दे रखे हैं ए बी डी, कि इसमें ए होगा, बी होगा और डी शामिल होगा, दूसरे ऑप्शन में बी शामिल होगा और सी शामिल होगा और ई शामिल होगा, और थर्ड ऑप्शन में दे रखा है उक्त सभी चार और उक्त सभी सॉरी थर्ड में दे रखा है उक्त सभी और फोर्थ नंबर पे दे रखा है ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी सॉरी फोर, इसका राइट आंसर होगा फोर, ए बी सी डी। यानी कि नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी, इसमें कौन कौन शामिल है? प्रासंगिकता, मूल्य और सामाजिक समता और
परिवर्तन, ये चारों जो हैं इसमें शामिल है, लेकिन राजनीति, प्रशासन, दिव्य विभाजन पर बल ये इसमें शामिल नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन आंसर होगा 4 A B C एवं D। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वप्रथम किस वर्ष में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन पर लेख लिखा था? सर्वप्रथम किस वर्ष में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन पर लेख लिखा था? और ये आया हुआ है 2010 में आया हुआ है ये। और ऑप्शन देख लेते हैं, 1 है 1987, दूसरा है 1887, तीसरा है 1787 और चौथा है ऑप्शन 1687। तो इसका राइट आंसर होगा 1887, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, इसका सही है। सर्वप्रथम किस वर्ष वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन पर लेख लिखा था? तो 1887 में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन पर लेख लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन का संबंध है। तो संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन का संबंध है, ऑप्शन 1 है व्यवस्थापिका से, ऑप्शन 2 है कार्यपालिका से, ऑप्शन 3 है न्यायपालिका से और ऑप्शन 4 है उक्त तीनों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, कार्यपालिका से। संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन का संबंध है किससे? कार्यपालिका से। ये भी 2010 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा का है? इस ये भी 2010 में आया हुआ है। ऑप्शन 1 अंग्रेजी, दूसरा है लैटिन, तीसरा है जर्मन और चौथा है फ्रेंच। तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है किस भाषा का है? तो ये है, इसका राइट आंसर होगा 1 अंग्रेजी का। किसका है ये? अंग्रेजी का। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पोस्टकोर शब्द लोक प्रशासन के किस क्षेत्र से संबंधित है? जो पोस्टकोर शब्द है वो लोक प्रशासन के किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला है अर्थ, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है क्षेत्र और चौथा है सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा 3, क्षेत्र से। और ये भी जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है, यह किसने कहा है? लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 है वुड्रो विल्सन ने, दूसरा है फिफनर ने, तीसरा है एलडी वाइट ने और चौथा है बिलोबी ने। तो इसका राइट आंसर होगा वुड्रो विल्सन ने, 2010 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेवा और प्रबंध का संबंध किस विषय से है? सेवा और प्रबंध का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन 1 है राजनीति शास्त्र, दूसरा है लोक प्रशासन, तीसरा है अर्थशास्त्र और चौथा है समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा 2, लोक प्रशासन से। सेवा और प्रबंध का संबंध किस विषय से है? लोक प्रशासन से है। और ये क्वेश्चन भी 2010 में आया हुआ है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अजमेर में, दूसरा है जयपुर में, तीसरा है नई दिल्ली में और चौथा है मुंबई में। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा तीसरा, नई दिल्ली में। राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, शब्द विकास प्रशासन किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? ये शब्द है जो विकास प्रशासन किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है एडवर्ड विडनर ने, दूसरा है मॉन्टगोमरी ने, तीसरा है गोस्वामी ने और चौथा है F.W. रिंग्स ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गोस्वामी ने। जो विकास प्रशासन शब्द है वो गोस्वामी द्वारा प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती हैं, उक्त कथन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है हर्बर्ट साइमन, दूसरा है A.L. गांधी, तीसरा है अवस्थी एवं माहेश्वरी और चौथा है बिलोबी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अ हर्बर्ट साइमन। जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। यह कथन हर्बर्ट साइमन का है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं हम टेस्ट पेपर नंबर 2 में देखेंगे। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।